सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन भारत में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कनाडा अमेरिका से वायलेंस भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने की वाज निशानियाँ क्या भारत उस वायलेंस को कंट्रोल कर सकेगा क्या भारत कनाडा अमेरिका और दूसरे देशों के साथ ये मुद्दा उठाएगा कि यहाँ से इंसाइटमेंट की क्यों वहाँ पर दावतें जाती हैं क्यों इनाम रखे जाते हैं इससे जुड़ी हुई बात है कैनेडा के एक एमपी रमेश सिंह सांगा जी को लिबरल पार्टी ने इसलिए निकाल दिया अपनी लिबरल कॉकस से कि वो कुछ खरी खरी बातें किया करते थे इसके साथ साथ बातचीत होगी यूएस कैनेडा के जो रिलेशनशिप है खासतौर पर ट्रेड के रिलेशनशिप क्योंकि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कनाडा पर वार किया और कनाडा की जो पाइप लाइन्स है तेल की पाइप लाइन उसको बिल्कुल यक तरफा तौर से बंद कर दिया यह है आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो बड़े बड़े मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले बातचीत होगी भारत में योम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे पर जिस तरह सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट किया उसके नज़ारे उसके मनाजर पूरी दुनिया ने देख लिए इंसोरेक्शन जब हुई थी कैपिटल हिल में 6 जनवरी को तो पूरी दुनिया का मीडिया चीख उठा कि इंसोरेक्शन हुई है और विद इन आवर्स एक्शन लिया गया और उन दंगे करने वालों को गिरफ्तार किया गया पूरी दुनिया का मीडिया चीखा क्योंकि वो हमला था अमेरिका के कैपिटल हिल पर वो हमला था अमेरिका की डेमोक्रेसी पर और जिसको कहते हैं टॉम ऑफ डेमोक्रेसी पर मगर जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होता है जब भारत के डेमोक्रेसी पर हमला होता है तो पूरी दुनिया खामोश है और वो इस पर कोई बात नहीं कर रहे उससे बड़ा जो एक बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर है भारत का अपना मीडिया भी उस तरह बातचीत नहीं कर रहा और भारत के अपने पॉलिटिशियंस भी उस तरह बातचीत नहीं कर रहे ये है शॉकिंग न्यूज़ जो कुछ अमेरिका में हुआ उसके रद्द पे जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ मगर भारत में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ मैं सबसे पहले आपके साथ एक मुख्तर सा वीडियो क्लिप शेयर करता हूं जिसमें वो जो परचम लहराते हैं लाल किला पे जहाँ पर भारत का परचम लहराया जाता है इंडिपेंडेंस डे पर वहाँ पर मसला सिर्फ़ खालसा के परचम लहराने का नहीं राज करेगी कि खालसा के नारे भी लगते हैं सिर्फ़ हम ये जा जानना चाहते हैं सोचना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये फार्मर प्रोटेस्ट था या कुछ और था अगर फार्मर प्रोटेस्ट था तो क्यों फिर खालसा राज करे के नारे लगते हैं देखिए मुख्तसर सा वीडियो क्लिप तो कहते हैं कहने वाले कि ये प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट हैं भाई ठीक है अगर प्रोटेस्टर्स के फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं ना तो वो फार्मर्स की कोई बात करें ना अगर चढ़ भी गए हैं वहाँ पे तो कोई फार्मर्स का कोई अगर इनकी यूनियन का झंडा बन रहा है तो वो लगाएं वैसे तो वो भी बुरी बात है लेकिन ये खालिस्तान का या चलिए वो कहते हैं जी खालिस्तान का झंडा नहीं है खालसा का है चलिए जी वही बात हो गई खालसा का भी लगा लिए तो इसका क्या तुक बनता है भाई खालसा दे झंडे का तुक बनता है मेरी गलत समझ तो बाहर है ये तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है ना तो इसके पीछे फिर क्या है माइंड सेट ये है बड़ी अफसोसनाक बात यहाँ से लाखों डॉलर इनाम देने की बात होती है यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई हैं ख़ालस्तानी वो कह रही है अमरीका से कैनेडा से कि भाई हम लाखों डॉलर देंगे जो भी झंडा लहराएगा ख़ालिस्तान का उस लाखों डॉलर के वसूल करने के लिए नौजवान वहां पे एक दूसरे से बाजी लेते हुए ऊपर जा रहे हैं कि भाई हमें ये पैसे मिल जाएं तो ये इंसाइटमेंट जो है वायलेंस की यहां से हो रही है जिसमें 80 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और प्रोटेस्टर्स भी उसमें जख्मी हुए हैं क्या यहां से सब कुछ हो रहा है जब यहां से हो रहा है तो फिर भारत की सरकार क्या कर रही है क्या अमेरिका से कैनेडा की सरकारों से मुतालबा करती है कि जो खुला वायलेंस यहाँ से इंसाइट किया जा रहा है उस पर यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन और लोग करते हैं उनको बैन किया जाए क्या कोई ऐसी बात होती है यानी हैरत है कि भारत की तरफ़ से कोई हमें ऐसी बात सुनने को नहीं मिल रही और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश है इतने बड़े वायलेंस की इंसाइटमेंट हो रही है वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि भई आप जाएं पीसफुली प्रोटेस्ट करें वो लफज पीसफुली कहा था उनके खिलाफ इम्पीचमेंट चल रही है अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट चल रही है और अपना ही मीडिया शोर मचा रहा है और यहाँ पे जो इंसाइटमेंट करने वाले हैं वायलेंस करने वाले हैं जो टेर्रिज्म को परवान चढ़ाने वाले हैं वो बात खुलम खुला कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ना यहाँ की सरकारें कोई कदम उठा रही हैं ना डायस्पोरा हमारा कोई बोल रहा है और ना ही भारत की तरफ से हमने अभी तक एज़ ऑफ नाव कोई स्टेटमेंट देखी कि उन्होंने ये मुतालबा किया हो कि भाई यहाँ से इंसाइटमेंट के जो वीडियो चल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है इवन हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस उसमें इन्वॉल्व है वो क्या है अब इंसाइटमेंट की यहाँ से जो बातें चल रही हैं वहाँ पर किस तरह का इंसाइटमेंट हो रहा है उसकी एक झलक देखिए ज़रा तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो यहाँ से इंसाइटमेंट की वजह से हो रहे हैं ये कहते हैं जी फार्मर प्रोटेस्ट हैं झंडे लहरा रहे हैं खालिस्तान के चलिए वो कहते हैं जी खालिस्तान के झंडे नहीं हैं खालसा के हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं सिख धर्म की मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन कोई भी झंडा यहाँ पे रिलीजियस लहराने का क्या मतलब है ये तो फार्मर प्रोटेस्ट है ना क्यों रिलीजन को बीच में ला रहे हैं क्यों रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं अगर ला रहे हैं बीच में वहाँ पे लाल किला पे जा जाके भारतीय झंडे की जगह पे इसको लहरा रहे हैं तो फिर जो यहाँ से आपको इनाम देने की बातें हो रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं फिर यहां से जो खालिस्तान का पैगाम जा रहा है वो दे रहे हैं फिर ये फार्मर प्रोटेस्ट तो ना रहा ना मैंने बहुत दिन पहले कई बार कहा है कि ये हाईजैक हुआ हुआ है फार्मर प्रोटेस्ट उस पर कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं बैठे हुए इधर उधर वो मेरे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं मैं उनसे ये पूछता हूं कि अब बता दें लेकिन वो तो इतने अंधे हैं वो अब भी नहीं मानेंगे वो कहेंगे कि नहीं ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है ये फार्मर प्रोटेस्ट है झंडे लहरा रहे हैं मजहबी झंडे लहरा रहे हैं खालिस्तान के नारे लग रहे हैं खालिस्तान के नारे लग रहे हैं राज करेगी खालसा भाई ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसमें क्या लेना देना ये तो आपका तो क्लेम है ये भारत के किसानों का प्रोटेस्ट है जिसमें पूरे भारत के किसान शामिल हैं वैसे वो भारत के किसान कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं हैं तो ये है बड़ी ही दुख भरी सिचुएशन इस तरह का कैपिटल हिल में हुआ था तो पूरी दुनिया का शोर मचा था अब पूरी दुनिया खामोश है बल्कि उल्टा क्रिटिसाइज भारत को ही करती है और उससे बड़े अचंभे की बात यह है कि भारत की तरफ से भी यानी सरकार की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया पूरे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों पर हमला कर दिया गाड़ियां तबाह पुलिस की कर रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत के झंडे को रौंद रहे हैं ये कौन से फॉर्मर हैं ये किस कंट्री के फॉर्मर हैं अब देखिए ज़रा इस वीडियो क्लिप को कि देखिए बेचारी जो लॉ एनफोर्समेंट की पुलिस है वो भाग रही याद है कि पुलिस जो खास तौर पर पूरी दुनिया में होती है अमेरिका से लेकर भारत तक वो ज़ाहिर उनके पास पावर होती है उनके पास लॉ होता है जो भी होता है वो वो रिटेलिएट बहुत सख्त तरीके से करते हैं लेकिन आप देखिए आप सब ने ये वायरल हुए हुए वीडियो क्लिप्स देखे हुए हैं होंगे मैं आपको फिर शेयर करता हूं कि किस तरह पुलिस अपनी जान छुड़ा के भाग रही है किस तरह भारतीय झंडे को पांव तले रोंदा जा रहा है भारत के अंदर देखिए जरा ये है नाम नहाद पीसफुल प्रोटेस्ट इसकी तो अभी मैंने चंद जलकियाँ आपको दिखाई हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि किस तरह के ये दंगे किए गए किस तरह साजिश के तहत इंसरक्शन की गई डेमोक्रेसी के खिलाफ और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जिस तरह ये काम हुआ ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट नहीं हो सकते चूँकि फार्मर्स के प्रोटेस्ट में फार्मर्स के झंडे हमें नजर आने चाहिए ये जो सब कुछ हुआ है इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इंसाइटमेंट भी हुआ है वहाँ पे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो फार्मर्स का रूप धारे हुए ये सब बदमाशियाँ कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश है क्योंकि भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ नहीं उठ रही उठनी चाहिए डायस्पोरा की तरफ से ये मुतालबा करना चाहिए कि यहाँ से इंसाइटमेंट क्यों हो रहा है बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है और इस पर बात करना भी मुश्किल नजर आता है लेकिन बात तो करनी होगी सच को तो सामने लाना होगा सच को सामने लाने की बात करते हैं तो लिबरल फॉर्मर लिबरल एमपी रमेश सिंह सांगा जी ने पिछले बरस भी यानी 2019 में इलेक्शन जो कनाडा के हुए थे अक्टूबर में उससे पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के इर्द गिर्द खालिस्तानी लोग पाए जाते हैं फिर उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में वाई मीडिया से बात करते हुए हमारे दोस्त युद्धवीर जसवाल के साथ बातचीत करते हुए खुल के कहा पिछले दिनों कि भाई बात यह है कि मिनिस्टर नवदीप बैंस ने जो आ, मिनिस्टरी से रेजिग्नेशन दिया है और पॉलिटिक्स से जो हटने की बात की है वो उनकी ऐसे इतफाकिया नहीं है वो बिल्कुल आ, कोई पर्सनल बात नहीं है उन्होंने इसलिए की है वो बात कि वो उनका कोई इशू है चलिए ये रमेश सांगा साहब का मसला है वो भी उसी पार्टी में थे तब तक नवदीप भैंस साहब भी उसी पार्टी में अभी भी हैं एम पी हैं और हमारे स्माल्टन की राइडिंग में है जहाँ से हमारा ये टेलीविजन भी है मुझे भी लास्ट इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने का मौक़ा मिला था एक पार्टी की तरफ से तो मैंने उनके खिलाफ भी अपना इलेक्शन अपनी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया था आर पार्टी लॉस्ट बैडली डेमोक्रेसी का हिस्सा है नवदीप साहब से एक दो जगह पर मेरी मुलाकात भी हुई बहरहाल वो नवदीप बैंस जी का और रमेश सांगा जी का पर्सनल इशू है लेकिन रमेश सांगा जी सब जब बात खालिस्तान की करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे जो धड़े के लोग हैं अगर वो समझते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई करें, मगर लिबरल पार्टी ने जिस तरह उनको यक तरफा तरीके से यानी उनकी एक्सप्लेनेशन लिए बगैर उनकी बात सुने बगैर निकाला ये थोड़ा अनफेयर लगता है बहरअल रमेश सांगा साहब ने जो कुछ अपने इंटरव्यू में वाई मीडिया में कहा मैं सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी करता हूँ विद द ऑफ़ वाई मीडिया एज वेल एज माय फ्रेंड युधवीर जसवाल तो रमेश हांगा साहब ने ये कहा था वो बात स्ट्रांग है लेकिन लिबरल पार्टी को ये उनकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए थी और नवदीप बहस साहब और उनके बीच का मामला है नवदी बहस साहब की मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं देखी इस इंटरव्यू के बारे में हो सकता आई हो आई आई इट नवदीप बहन साहब का जो भी डिसीजन है मैं पर्सनली उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ अनटिल अनलेस कि उसके बारे में अगर कोई और बात सामने आती है तो वो मीडिया की चर्चा का जरिया बनती है लेकिन जो भी उनका डिसीजन है पर्सनल है मगर It is between Ramesh Sangha and Naveen Bansab. वो आपस में इसके बारे में अगर कोई लीगल बात भी करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टी का ये जो टिश्यू है, it is little too much in my opinion. Anyhow, just watch this Ramesh Sangaji script. पर ये देखो, दूसरे पास से काल चिल्ले आओगे, अल्लाम मेरे दुमांग की चिल्ले आई है। पहला तो होल्ड बैक चले स्कूल का पिक्चर रील को मोन ਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਨੇਸਤਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਜ਼ੀ ਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਜੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖਲਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹੋ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਆਗੇ ਆ ਕੀ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਪਲੀਸਟਰਸ ਆਰ ਰੈਂਕ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਜਾਉ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ पॉइंट कई शायद हो सकता वो हो के बारे में। और वो उनकी ओपिनियन है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है नवदीप बहन साहब अगर उस पर लीगल एक्शन देना चाहें उनके बारे उनके खिलाफ तो ये उनका आपस का मामला है लेकिन बहरहाल उनके पास भी कोई ना कोई बात किया होगा आ, आर्गुमेंट उनके पास भी आर्गुमेंट होगा लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि लिबर पार्टी ने जो इतना बड़ा एक्शन लिया ख़ास तौर पर उस एम पी की हमायत में जो अब पॉलिटिक्स से रिज़ाइन भी होने का ऐलान कर रहे हैं कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूँगा और मिनिस्ट्री से रिज़ाइन हो चुके हैं ये ज़रा ज़्यादा है फिर रमेश हंगा जी ने अपनी बात में फिर बात की अमेरिका के कैपिटल हिल पे अटैक के तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ थे उनके मुताबिक रमेश सांगा साहब के मुताबिक तो वो कहते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम लिए बगैर वो वो उठाते हैं ये क्वेश्चन कि, कि वो क्या फिट थे इस काम के लिए तो वही मसला भारत में होता है कि भारत में ये जो इंसरक्शन होती है ये जो अटैक डेमोक्रेसी पे और ये जो अटैक होता है कॉन्स्टिट्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी रिपब्लिक डे पर तो उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यहाँ से इंसाइटमेंट जा रही है वहाँ पर यहाँ पे जो लोग इंसाइट कर रहे हैं उनको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जरा पूछे उनको भी कोर्ट के कटहरे में लाए कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा इस तरह के आप ओपन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वहाँ पे हमले कर रहे हैं आप वहाँ पर हम आपको इतने इतने, इतने लाख डॉलर देंगे तो इट इज़ लिटल टू मच और इस पे मेरा ख़्याल है कि दुनिया में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया की हुकूमतों को पॉलिटिकल करेक्टनेस छोड़नी होगी एक्शन लेने होंगे और भारत को भी अपने मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ना होगा और पूछना होगा कि भाई आपके यहाँ ऐसे लोग क्यों बैठे हुए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं बहरहाल रमेश आंगाद जी ने अमेरिका का जिक्र किया वहाँ पर जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसके बाद ऑफ कोर्स नई गवर्नमेंट भी अमेरिका में आ चुकी है मगर नई गवर्नमेंट का जो ख़ास तौर पर हमारे कैनेडा के साथ तल्लक है जो सलूक है वो ट्रेड पर उन्होंने बहुत बड़ी कारी जरम लगाई उन्होंने एक्सल पाइप लाइन को ही कैंसिल कर दिया प्रेजिडेंट जो बाइडन ने एक ही साइन करके अगरचे उन्होंने कहा हुआ था कि मैं इस, मैं इसको कैंसिल करूँगा अपनी कैम्पेन के दौरान भी लेकिन वो भी अनफेयर था कहना और ये करना भी अनफेयर था इसलिए कि ये कोई बात नहीं चल रही थी ये एक्शन हो चुका हुआ था ये तो कई सालों से ये पाइपलाइन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है मोस्टली कैनेडियंस की हो रही है अमेरिकन की भी उसमें इन्वेस्टमेंट है हज़ारों लोग उसमें थे कैनेडा के ख़ास तौर पर जो हमारे अल्बर्टा प्रोविंस के कोई 100 बिलियन डॉलर का वो तेल का वो उस, उसके साथ ट्रेड वाबस्ता है हज़ारों लोगों की नौकरियां मैंने पहले भी ये वीडियो क्लिप दिखाया था अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी साहब का और जैसन कैनी ने बड़े वाज तौर पर तब भी कहा था कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारा इतना क्लोज़ अला हम पर इतना बुरा हमला करेगा उन्होंने एक बाद में भी इंटरव्यू में भी कहा जैसन कैनी ने कि हमें पता है कि उन्होंने कहा था कि वो ये एक्शन ले लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एटलीस्ट कनाडा से कंसल्ट तो करते ना और फिर ये कोई बातचीत नहीं चल रही थी ये तो एक ऑलरेडी हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थी मैं उस वीडियो क्लिप को दोबारा दिखाता हूँ प्रीमियर जेसन कैनी का जो कंसर्न है As That one of President Biden's first actions in office has been to rescind the presidential permit for the Keystone XL pipeline border crossing. This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States' most important ally and trading partner on day one of a new administration. Today, as I speak, नी thought... ने बहुत वाज तौर पर कहा कि हम अमरीका से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारे आ, साथ इतना बुरा सलूक होगा जबकि इस एक्सल पाइप लाइन के ज़रिए बहुत ज़्यादा तेल जो अमेरिका को जा रहा है उसका अमेरिका को भी फ़ायदा था क्योंकि अमेरिका को बाहर से तेल लेने की बजाय कैनेडा से तेल लेना ईज़ी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया का जो सीन पार्ट है वो बदलता जा रहा है उसमें दोस्तों को दोस्तों की पहचान ही नहीं है और दोस्तों को दुश्मनों का भी पता नहीं है कि भाई अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास होना चाहिए कि कनाडा से ज़्यादा और हम कैनेडियन से ज़्यादा उनके कौन दोस्त हो सकते हैं और उसमें अपना रेडिकल एजेंडा चलाने की ज़रूरत नहीं जबकि प्रीमियर आ, जेसन कैनी भी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी कह चुके हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ अपनी बातचीत में लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही उसको कोई नहीं सुना जा रहा बहरहाल ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जो इतने क़रीबी दोस्त हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनरशिप है उसका भी अब लिहाज नहीं है और दुनिया में राइट और लेफ्ट की इन बहसों में बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि भाई जो आपके अपने हैं उनकी तो कदर करें लेकिन वो जो खोखले राइट और लेफ्ट के नारे हैं वो चली जा रहे हैं चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई देश हो इवन चाहे कैनेडा हो हमें एहसास करना होगा कि हम अपने दोस्तों को पहचानें और दुश्मनों के भी तमीज़ करें ताकि उनका भी मुकाबला करें और मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर समाज बनाए आज का बिला तकल्फ़ तजिया बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशूज़ के साथ मेरी कॉमेंट्री के साथ आपने सुना और देखा बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन